नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई जा रही है, जिस योजना के अंतर्गत आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी घर बैठे, यानी कि आपके पंचायत में या दूसरे पंचायत में या आपके दूसरे जिले में कितना वर्षा हुई है यानी बारिश हुई है, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे होगा प्रक्रिया, कब से शुरू किया जाएगा, क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोग पता है कि इस बार जो बारिश हुई है बहुत ही कम हुई है, यानी अभी तक यानी कि धूप निकला है, अभी तक कोई भी जिन नहीं उपजाया गया है। तो क्या अपडेट आ रही है इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे पेपर कटिंग दिखलाई दे रहा है, देखो इसमें सारा जानकारी दिया गया है। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा क्या जानकारी दिया गया है। देख सकते बताया गया है, पहल पंचायतों में वर्ष माफी यंत्र लगाने की योजना पूरी। ठीक है, जो भी बिहार के जो भी पंचायत है उसमें जो भी वर्ष माफी यंत्र है लगाने की योजना पूरी कर ली गई है। और कौन से पंचायत में लग गया है इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है, कितने पंचायत में बाकी है। बताया गया हर पंचायत में कितनी वर्ष वर्षा हुई है इसकी मिलेगी जानकारी। ठीक है, यानी आप सभी लोग पहले भी हमने बतला दिया कि अब जो भी पंचायत में वर्षा होती है यानी बारिश होती है, अब इसकी जानकारी मिलती रहेगी कौन से पंचायत में कितनी देर वर्षा हुई है। जैसे बताया गया हर पंचायत में कितनी वर्षा हुई है अब इसकी मिलेगी जानकारी। सबसे पहले जो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बताया गया सभी प्रखंडों में स्थापित किए जा चुके हैं स्वचालित मौसम केंद्र। ठीक है, यानी जो भी रिगार्डिंग जो वर्षा के पता चलेगा उसके कौन से पता चलेगा, तो स्वचालित मौसम केंद्र जो बैठाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको मिलेगा पता। बताया गया इससे पहले सरकार ने सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की योजना का सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ठीक है, यानी इससे पहले यानी सरकार के सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का योजना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बताया गया इसके बाद अब राज्य के हर हिस्से में मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सहजात से उपलब्ध हो रही है। पिछले दिनों योजनाओं विकास विभाग के पहल पर सूबे के 50 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी थी, जिसको पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही अब राज्य के हर प्रखंड में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित हो चुके हैं। गत वर्ष तक केवल 484 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी अभी तक जो 484 जो प्रखंड है उसमें जो काम हो वो चल रहा है, बाकी जो काम है वो पूरा कर लिया गया है, यानी 100% काम पूरा कर लिया गया है। और इसमें बताया गया कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, बताया गया जून अंत तक सभी 8056 पंचायतों में स्थापित हो जाएंगे वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, यानी इस महीने तक जो जून महीना चला है इसके अंत तक यानी जो भी इसका कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया जून अंत तक राज्य के सभी यानी 8056 पंचायतों में वर्ष मापी यंत्र स्थापित हो जाएंगे। जून के प्रारंभ में 8000 से अधिक पंचायतों में वर्ष मापी यंत्र की स्थापित हो चुकी है। शेष जो यानी जो बाकी जो बच रहे पंचायत में यह काम तेजी से चल रहा है। योजनाएं विकास विभाग के अपर जो मुख्य सचिव हैं अरुणिश चावला स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जबकि विभाग के निदेशक संजय पंसरी बिगानी के साथ समन्वय स्थापित कर योजना को पूर्ण कराने में जुटे हैं। निदेशक के अनुसार कुछ ही दिनों में योजना पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, यानी बहुत जल्द इसको लेकर आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कौन से पंचायत में कितना देर वर्षा हुई है। ठीक है, इसको लेकर और भी जानकारी इसमें दिया गया है। बताया गया राज्य के हर पंचायतों में कितनी वर्षा हुई है अब इसकी जानकारी मिलेगी, इसके लिए राज्य सरकार ने हर पंचायत में वर्षा मापी यंत्र लगाने की योजना को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, यानी हर पंचायत में यह लगेगा, जिसको पूरा कर लिया गया। बात है कुछ ही पंचायतों में तकनीकी कारणों से यह काम अभी चल रहा है, लेकिन इस सप्ताह वह भी काम पूरा हो जाएगा। सरकार यह लक्ष्य है कि साल मानसून के दौरान हर पंचायत से वर्षा का आंकड़ा मिल सके। यह योजना विकास विभाग का महत्वपूर्ण योजना का कार्यान्वयन शुरू भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किसको लेकर यानी इसको लेकर क्या जानकारी और भी सामने आएगी यार, कैसे इसको लेकर पता चलेगा। जैसी कुछ जानकारी आएगी हम आपको वीडियो को बनाकर जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, किस प्रक्रिया से आपको पता चलेगा कि कौन से पंचायत में कितना वर्षा हुई। तब तक के लिए इतना ही अपडेट आया है, आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करके कहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आपका वीडियो देखते हैं एंड तक देखें क्या सही या गलत आपको लगा, ये भी कमेंट करिएगा। और आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।